हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंजन ओवरहीटिंग के बारे में कि गाड़ी के इंजन ओवरहीट होने के क्या कारण होते हैं, ओवरहीट होने का हमें कैसे पता चलता है और ओवरहीट इंजन होने से क्या होता है, गाड़ी को ओवरहीट होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, अगर गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो रहा है तो गाड़ी से अच्छी पावर और माइलेज नहीं मिलेगी, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी, इंजन के पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं या इंजन सीज़ भी हो सकता है। गाड़ी के इंजन ओवरहीट होने का पता हमें डैशबोर्ड पर लगी टेम्परेचर गेज से पता चलता है। ओवरहीट होने से अगर इंजन सीज हो जाए या इंजन के पार्ट्स ख़राब हो जाएं तो इंजन रिपेयरिंग और इंजन के पार्ट्स रिप्लेस करने में ज़्यादा खर्च आएगा, जिससे टाइम की भी वेस्टेज होगी। दोस्तों, अगर समय समय पर गाड़ी की इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस हो तो गाड़ी का इंजन ओवरहीट नहीं होगा। दोस्तों, अगर गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो रहा है तो गाड़ी के कौन कौन से पार्ट्स और कौन से सिस्टम चेक करने चाहिए। तो पहले बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। अगर गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो कूलिंग सिस्टम के ये पार्ट्स चेक कर लें। कूलेंट का लेवल चेक करें, अगर कूलेंट की लीकेज है तो कूलेंट के उस पार्ट्स को चेक करें जिस पार्ट्स से कूलेंट लीक कर रहा है, और उसको रिपेयर करवाएं। अगर थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब है, सिलेंडर हेड गैस्केट लीक कर रही है या गैस्केट कट गई है, रेडिएटर चोक है, कूलिंग फैन सही से काम नहीं कर रहा है, कूलिंग फ़ैन की बेल्ट ढीली है, या इलेक्ट्रिक कूलिंग फ़ैन है तो उसका फ्यूज़ ब्लो तो नहीं हो गया है, उसकी रिले को भी चेक कर लें। तो ये पार्ट्स अगर ख़राब होंगे, सही से काम नहीं करेंगे, तब भी इंजन ओवरहीट होगा। अगर वाटर पंप सही से वर्क नहीं करेगा और रेडिएटर प्रेशर ख़राब है, रेडिएटर होज पाइप चोक है या बेंड है, तब भी इंजन ओवरहीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये पार्ट्स कूलिंग सिस्टम के सही से वर्क नहीं कर रहे हैं या ख़राब हैं तो इंजन ओवरहीट होने के कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम की। अगर इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल का लेवल कम है, इंजन ऑयल सही विस्कोसिटी या सही ग्रेड का नहीं है, तो भी इंजन ओवरहीट हो जाएगा, क्योंकि इंजन के पार्ट्स का प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा, जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा पार्ट्स में और इंजन ओवरहीट होने के कारण हो सकते हैं। तो इसके लुब्रिकेशन सिस्टम के पार्ट्स चेक कर लें कि कहीं ऑयल फिल्टर चोक तो नहीं है, ऑयल पंप सही से काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए ऑयल प्रेशर चेक कर लें, ऑयल रिलीफ वाल्व ख़राब तो नहीं है, इंजन के मेन विग एंड वेयरिंग घिस तो नहीं गए हैं। दोस्तों, लुब्रिकेशन सिस्टम के ये पार्ट्स ज़रूर चेक कर लें कि कहीं ये पार्ट्स अगर काम नहीं करेंगे तो भी इंजन ओवरहीट हो सकता है। अगर ऑयल लेवल सही नहीं होगा तब भी इंजन ओवरहीट होने के कारण हो सकते हैं, तो इन पार्ट्स को चेक कर लें। दोस्तों, अगर गाड़ी ओवरलोड है, इंजन हाई स्पीड हाई लोड पर है, एक्सेसिव फ्यूल सप्लाई है, एग्जॉस्ट वैक प्रेशर है, ओवरहीट एयर एंटर कर रही है, एग्जॉस्ट सिस्टम बंद है, क्लच प्लेट स्लिप कर रही है या क्लच प्लेट घिस गई है, ब्रेक गाड़ी में लगे रह गए हैं, तब भी इंजन ओवरहीट हो जाएगा, क्योंकि अगर क्लच प्लेट घिस जाएगी तो हम गाड़ी को एक्सीलेट करने के लिए एक्सीलेट पैंडल को प्रेस करेंगे, जिससे इंजन के आरपीएम बढ़ जाएंगे और हमें आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगी इंजन से, तो इंजन के ओवरहीट होने के कारण हो जाएंगे। इसके अलावा अगर गाड़ी में ब्रेक लगी रह गई है तब भी गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी मूव नहीं करेगी जितना हम उससे परफॉर्मेंस चाहते हैं, और गाड़ी को मूव करने के लिए हम अपनी इच्छा अनुसार तो गाड़ी को एक्सेलेरेट करेंगे, जिससे इंजन पर हाई लोड होगा और इंजन हाई स्पीड होगा और टॉर्क हमें उतनी नहीं मिलेगी आउटपुट, तो जिससे भी इंजन ओवरहीट होने के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, ये कारण हो सकते हैं इंजन ओवरहीट के।
दोस्तों, अगर आप समय समय पर गाड़ी की मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन करेंगे तो गाड़ी ओवरहीट नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो गाड़ी के पार्ट्स को चेक कर लें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।